consitu cemented by the way ye jo video hai na ye ek series banne wali hai yaha pe main kya karne wala hu main actually aise kuch colleges ke bare mein baat karne wala hu jahan pe guys these are the colleges which are amazingly good aur inka jo cutoffs hai wo cat zat wagar agar hum baat karenge

through B schools, and I've always been telling you, right? There are super duper good B-schools. You just have to wait for your result. Now, you're gonna get a little bit shocked also. And it's a sweet shock, by the way. Guys, I want you all to have a look at inka placements. Inka PGT placement, the highest package is 55 lakhs per annum. That's a whopping 55 lakhs. This is insanely good. ये बेबी एम्स और न्यू एम्स भी बढ़िया है राधर न्यू एम्स के टक्कर का है राइट इनका जो बी डी ए प्रोग्राम है जो काफी अच्छा कर रहा है इट्स अ कल्ट प्रोग्राम बाय द वे इवन आई गॉट सरप्राइज टू सी द नंबर्स दे हैव अपडेटेड दिस नाउ राइट हाँ यहां पे अगर आप देखोगे अर्ली बर्ड क्लूज इज ऑन सिक्स डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी राइट सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नो टेक दैट बेनिफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट गाइस ठीक है आगे चलेंगे बी डी ए फोर्टी लैक्स पर एनम ह्यूज हेल्थ केयर ट्वेंटी नाइन लैक्स पर एनम बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्वेंटी सेवन लैक्स पर इज बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए आई मीन अगेन देर कैनॉट बी कम्पेरिजन बट आई एम टेलिंग यू वर्ड एवर कॉलेज आई कैन रिकॉल ये जो पैकेज है फाइनेंस का इज मोर देन एस आई बी एम पुणे एंड एन एम आई एम एस एंड डेफिनेटली बेबी आई एम से भी ज्यादा है फाइनेंस के लिए एंड डेफिनेटली कुछ न्यू आई एम से भी ज्यादा है मैं क्यों फाइनेंस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ ना बिकॉज फाइनेंस के लिए इंडिया में बहुत ऐसे एक्सक्लूसिव है जो आपको इस लेवल का पैकेज दे सकते हैं गेटिंग अ पॉइंट सो यहां तक बात है जीएम के बारे में एंड अ फैबुलस जॉब राइट एक बार ही इनका पूरा का पूरा स्केड्यूल देख लेते हैं लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट मूवर की 15 नवंबर उसकी डेडलाइन थी अभी हम बात कर रहे हैं आपके यू नो अर्ली बर्ड सिलेक्शन विच इज राउंड अबाउट सिक्स ऑफ द डिसम्बर इनका एवेलेशन प्रोसेस जनवरी तक चलता है तो आप पकड़ लो राउंड अबाउट जनवरी फर्स्ट तक इनके जो नॉर्मल फॉर्म्स है वो अवेलेबल रहेंगे बट उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा बट अभी जो मुझे पता है वो है इनकी वेबसाइट पे जो दिया है अर्ली बर्ड डिसम्बर छः तक है फाइन एडमिशन रिजल्ट इनका अप्रैल तक आएगा एंड राउंड अबाउट जून में आपका कॉलेज चालू हो सकता है ठीक है एंड इसके प्रोग्राम अगर आप देखोगे इनके पास पी है इनके पास हेल्थ केयर है इसके पास बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है दे हैव फुल टाइम बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला प्रोग्राम सो एज़ फार एज द प्रोग्राम कंसर्न आई थिंक दे आर डूइंग रियली गुड सो इसकी जो अगर हम बात करेंगे इसके फॉर्म्स कैसे भरते हैं तो so, एक लिंक है लिंक में आपको जाना है फॉर्म भरना है एंड देन यू हैव टू कीप ऑन एडिंग दोज कोर्सेज सो एज एंड वेन यू एड दोज कोर्सेज इट विल आस्क यू फॉर मोर मनी मतलब जो भी एक प्रोग्राम का जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा आप उसके लिए एलिजिबल तो हो जाओगे अब इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है सिंपल से एलिजिबिलिटी है कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी 50 परसेंट आपका ग्रेजुएशन में आना चाहिए अगर आपका ग्रेजुएशन में 50 परसेंट है गाइज यू आर एलिजिबल अब बात करेंगे जैट कैट सीमैट तीनों एग्जाम जी लेता है राइट आपके लिए काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है कैट का कट ऑफ इज क्लोज टू एटी फाइव परसेंट ओके जैट विल बी क्लोज टू एटी परसेंट आई फाइन सीट मैट विल बी राउंड अबाउट नाइन्टी एट परसेंट आई बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी के ऊपर काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं मैं हर एक प्रोग्राम का इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूँ इस सीरीज में एंड मैं आपको जिनके जो कट ऑफ है वो ऑलवेज अपडेट करते रहूंगा राइट तो अगर हम बात करेंगे एट्टी फाइव के बारे में अगर आपको लगता है कि हाँ मैं उस रेंज में आऊंगा प्लीज गो हेड एंड फिलअप दई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज दस्ट बी स्कूल लुकिंग एट दैटेजी प्लस मेरे काफी बच्चे जे आई में पढ़ते हैं फीडबैक हैज ऑलवेज बीन रियली रियली गुड ठीक है सो यू कैन वॉच फॉर दैट यू कैन बैक ऑन दैट बट अगेन इट्स योर कॉल इफ यू नॉट टेक इट गो हैड नाउ आगे चलेंगे इनके कुछ दूसरे भी राउंड्स होते हैं एंड दिस इज समथिंग आई रियली रियली लाइक अगर आप देखोगे इनके दो राउंड हैं एक होता है अचीवर्स राउंड एक होता है रेगुलर राउंड फाइन अचीवर्स राउंड क्या होता है ये वो ऐसे बच्चों को यहां पे सिलेक्ट करते हैं जिन बच्चों का अकेडमिक रिकॉर्ड काफी फाड़ है जिनकी प्रोफाइल काफी फाड़ है उन बच्चों को विदाउट विदाउट कैट जैट सीड मैट बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए ज अनदर डायरेक्टर राउंड ऑल्सो जहाँ पे आपसे डायरेक्टर आपसे आप बात करेंगे आपको इंटरव्यू करेंगे आप अगर देखोगे इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपकी जो जैट वगैरह है वो तो आपको देना पड़ेगा बट आपका इंटरव्यू उसके पहले हो सकता है उसका फोर्टी परसेंट वेटेज है आपका जो साठ परसेंट का वेटेज है वो प्योरली आपकी प्रोफाइल को दिया जाता है विच हैज पार विच इज पास्ट अकेडमिक रिकॉर्ड योर वर्क एक्स फेस टू फेस इवेलुएशन दैट्स योर पी आई एंड योर प्रोफाइल असेसमेंट दैट्स फाइव परसेंट एंड दिस इज वेयर कई आपको यह जानना ना काफ़ी ज़रूरी है प्लेसमेंट्स क्यों अच्छी होती है किसी भी स्कूल की बिकॉज अगर आप देखोगे द प्लेसमेंट नंबर्स आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिटी गुड स्टूडेंट्स क्वालिटी बेटर प्लेसमेंट्स सो ये जो अच्छी वज राउंड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन होता है जो प्रोफाइल वाइज काफ़ी फार्ड होते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो चार्टड अकाउंटेंट्स हैं कुछ बच्चे है जो सेफ हैं होंगे कुछ बच्चे जो अच्छा खासा आई टी का वर्कर्स लेके आए होंगे जो बी डी ए वगैरह करके आए होंगे सो यहां पे जो प्रोफाइल है बच्चों की काफी अच्छी है सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर आपको अचीवर्स राउंड में नहीं जाना है आपके पास एक रेगुलर राउंड uh, है रेगुलर राउंड से आप मेरिट लिस्ट में आओगे आपको एडमिशन लेटर मिलेगा अगर आपको अचीवर्स राउंड में ये सिलेक्ट करते हैं अगर आपको ये बुलाते हैं अचीवर राउंड के थ्रू आपको स्पॉट ऑफर मिल सकता है दिस इज सुपर डुपर गुड हाँ दिस इज सुपर डुपर गुड सो ये एक चीज आपको जानना जरूरी है मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया मैंने आपको कटआउट्स बता दिए मैंने आपको इनके राउंड्स भी बता दिए ठीक है अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एक काइंड ऑफ ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं जहाँ तक प्लेसमेंट्स का सवाल है तो अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में प्लेसमेंट्स तो काफ़ी खतरनाक है आपने देखा हर एक प्रोग्राम का मैंने डिटेल में वीडियो बनाना ही एमेंचुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू थर्टी एट का इंटेक है पीजी के लिए प्लेसमेंट्स अगर आप देखते हो ट्वेंटी प्लेसमेंट्स फ्रॉम पी जी आर इन आई टी आई इज गुड इसमें कॉम्पिटिशन आएगा इसमें कंसल्टिंग भी आएगा नो डाउट अबाउट इट फाइन

आप फाइनेंस के भी अच्छे खासे हैं आई टी ऑपरेशन के भी यहां पे बच्चे अच्छे खासे हैं थोड़ा आगे चलते हैं लेट्स सी व्हाट डू वी हैव अगेन इंजीनियर्स डोमिनेटेड बट इतना भी ज्यादा नहीं है हां इतना भी ज्यादा नहीं है मुद्दतों के बाद मुझे ऐसा बी स्कूल दिखा है जहां पे 58 परसेंट इंजीनियर्स है अदरवाइज माइकअ वगैरह अगर हम छोड़ेंगे दैट इज इस रेंज में आप देखोगे बैर मिनिमम सिक्सटी फाइव जो बच्चे होते हैं वो इंजीनियर्स ही होते हैं बट यहां पे नॉन इंजीनियर जो स्पेशल कैटेगरी है वो भी काफी अच्छी लेवल पर हम तो है, हमारा कुछ नहीं होगा भाई मेरे यहां पे है। sure, जो हुई है वो फ्रेशर्स के लिए भी काफी अच्छी होगी मैं इनको भी फ्रेशस में काउंट करता हूं हाँ मैं इन लोगों को भी फ्रेश में काउंट करता हूं तो अगर आप देखोगे थर्टी एट फ्रेशर्स दैट्स अ वेरी गुड नंबर ठीक है आगे चलते हैं लेट्स गेट मोर डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस बच्चों को कहाँ कहाँ से आता है आईटी वाले हैं ई कॉमर्स वाले हैं एफ एम सी जी वे हैं टेलीकॉम वाले हैं टेली मीडिया वाले हैं बी एफ एस आई वाले हैं है, कंसल्ट वाले बच्चे हैं तो यार इनकी वैरायटी काफ़ी सही लगी मुझे जहाँ तक इनका एक पोर्टफोलियो इस कंसर्ट राइट मार्केटिंग के बारे में बात करें आई थिंक आई थिंक ये ये लोग फिलहाल अभी तक अपडेट कर रहे हैं बिकॉज मार्केटिंग का हाइस्ट यहाँ पे सत्ताईस दिखाए वेरी श्योर ये ज्यादा ही होगा बट मैं आपको एक बार इनकी प्रोफाइल्स के बारे में बात करता हूँ बी टू बी प्रोफाइल्स आती हैं हाँ जी आती है बीडियो की प्रोफाइल जाती है हाँ जी आती है, है। कंसल्टिंग प्रोफाइल जाती है आती है मार्केट डिसज की प्रोफाइल जाती है डेफिनेटली आती है, है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो इनका जो भी पोर्टफोलियो है यू कैन इन द वीडियो एंड हैव लुक एट इट प्रोडक्ट मार्केटिंग इज देयर कंसल्टिंग इज देयर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट इज देयर दिस इज समथिंग यू नो द आई एम्स आर नोन फॉर राइट बट अभी ऐसा नहीं रहा है कि यार ओनली आई एम एर गिंग दिस ऑफ प्रोफाइल आई थिंक कॉलेज लाइक जे आई एम इज ऑल्सो नाउ यू नो अपकमिंग एंड देर आर ऑलो गिविंग दिस ऑफ प्रोफाइल्स तो ये काफी बढ़िया प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग में भी आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल आपको मिल सकती है

फ्रेस विस्था इज फैंटेस्टिक सो अगर मैं बात करूँ इनके प्रोफाइल के बारे में फिर पोर्टफोलियो के बारे में लुक्स रियली गुड अगर हम फाइनेंस के बारे में अगर एक बार बात कर लें फाइनेंस के लिए जी आई एम हैज ऑलवेज बिन बेटर हाँ फाइनेंस के लिए जी आई एम हैज ऑलवेज बिन बेटर तो फाइनेंस में फ्रेश विस्ता वगैरह आपको इक्विटी वैल्यूएशन रिसर्च वगैरह का रूल्स आपको दे देते हैं एच आर के लिए ऑल्सो दिस गाई इज डो नॉट डिसअपॉइंट एच आर का हाइएस्ट पैकेज ट्वेंटी एंड हाफ लैक दट इज क्लोज टू

एच के लिए इतने कॉलेजेस हैं ही नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया में जो आपको इतना तगड़ा प्लेसमेंट दे सकते हैं आई टी आई के नंबर्स भी काफ़ी सही है सो so, अगर हम बात करेंगे ओवरऑल अभी इनका जो एक ओवरऑल पैकेज है रादर इनकी जो प्लेसमेंट है हाईस्ट प्लेसमेंट दैट्स राउंड अबाउट फिफ्टी लैक्स एल कीप यू गाइज अपडेटेड ऑन द प्लेसमेंट्स एल कीप यू गाइज अपडेटेड ऑन द प्रोफाइल आई थिंक इनकी जो रिपोर्ट है जो फिलहाल अभी इनकी प्लेसमेंट चल रही है इवन दैट रिपोर्ट नीड्स टू भी अपडेटेड बट यस इफ़ यू वॉन्ट टू अपलाई टू अम आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बी स्कूल अगर आपको लगता है आपकी प्रोफाइल काफी तगड़ा है यू कैन गो वेड विदिवज राउंड यू माइंड गेट अ कॉल फॉर अचीवस राउंड इफ यू फील दैट कि नहीं मैं एक कट ऑफ क्लेयर करके जाऊंगा जैट का आप सीमेट का या फिर कैट का आप भर सकते हो बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं सीट मैड अगर मुझे करना है तो अभी फॉर्म भर सकता हूँ क्या आप भर सकते हो बाद में विंडो ओपन होता है जहाँ पे आप सीमेंट का कोर्स आपका जो भी पर्सेंटाइल है आप वहाँ पर एड कर सकते हो तो वो भी एक एडवांटेज है आपके लिए फाइन सो ओवरऑल दिस कॉलेज लुक्स फैंटेस्टिक बर इज द लास्ट डेट उस पहले आप अप्लाई कर देना देन विल बी गेटिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ इफ यू यूज द लिंक विच इज गिवेद डिस्क्रिप्शन बट ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग कॉलेज एनी बडी एंड एवरी बडी कैन अपलाई टू दिस इफ आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन आई एल बेकिंग मोर वीडियो ऑन दिस सो ना वट आई एल डू इज आई एल बेकिंग छोटा छोटा वीडियोज ऑन पीजीडीएम बी डी एच सी एम बी आई एफ एस तो चार पांच वीडियो और आएंगे इफ ए न्यू टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब एंड गाइड्स लुक एट दिस प्लेसमेंट नंबर्स इट्स अ फैबुलस बी स्कूल तो भले अगर आपको मान लो एटी फाइव नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंटेज आते हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाय द वे लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप थोड़ा बहुत वेबसाइट पर देखते हो ना जे एम के यू विल फाइंड दैट दे ऑल्सो गिव यू स्कॉलरशिप सो देर इज दिस यू नो वन ऑप्शन यू कैन गो हैड एंड चेक देर स्कॉलरशिप ऑल्सो बट फिलहाल आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल कॉलेज दैट यू शुड बी अपलाइंग का डू लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसे लगा ये आपको यू you know, पूरा रिव्यू कैसे लगा एंड इफ देर इज एनी अदर यू नो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन दैट यू वांट मी टू काइंड ऑफ रिव्यू आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट इफ यू वांट अप्लाई से लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस टेक केयर बाय बाय